गवर्नर बलोचिस्तान और केपी के ओहदों के लिए हुकूमती इत्तेहादी जमातों में खींचातानी जारी है। पीपल्स पार्टी गवर्नर बलोचिस्तान जबकि JUI और ANP गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए उम्मीदवार बन गए। पीपल्स पार्टी के सरदार बुलंद खान गवर्नर बलोचिस्तान के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुके हैं। बात करेंगे नुमाइंदा खसूसी जावेद फारूकी हमारे साथ हैं। जावेद बताएं सिलसिले में। जी देखिए इस वक्त गवर्नर बलोचिस्तान और गवर्नर KPK के ओहदे जो हैं वो खाली हैं क्योंकि ये इन ओहदों से जो गवर्नर जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। गवर्नर बलोचिस्तान जहूर आगा ने और उससे पहले शाह फरमान गवर्नर KPK उन्होंने इमरान हुकूमत खात्मे के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद अब PDM की जब हुकूमत कायम हुए तो पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान की गवर्नरशिप और जबकि JUI और ANP KPK की गवर्नरशिप के उम्मीदवार हैं और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन दो सूबों में गवर्नर्स उनके लगाए जाएं। हमारे इदारे ने बताया है कि इस हवाले से बलोचिस्तान की गवर्नरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी को मिलने का इम्कान है और सरदार सरबुलंद जुगजई जो हैं वो एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उनका नाम सामने आया है और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म हाउस आइंदा चंद रोज में गवर्नर की इन दोनों खाली नशिस्तों पर तैनाती के अहकाम जारी